गुड मॉर्निंग दोस्तों। रीट के अभ्यर्थियों को इस बात का कंफ्यूजन है सिलेबस को लेकर कि सिलेबस दिया हुआ है कि बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की वर्तमान में प्रचलित सत्र 2021-22 पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से दे रखी है कि जो सिलेबस है वो तो होगा कक्षा 6 से 8वीं तक का, यानी पुस्तकों के आधार पर होगा। प्रश्नों का चयन कहाँ से किया जाएगा? कक्षा 6 से लेकर के 8वीं क्लास तक की पाठ्य पुस्तकों से। तो इससे स्पष्ट होता है कि पेपर बनेगा सिर्फ कक्षा 6 से 8वीं तक की किताबों से बनेगा, लेकिन जो कठिनाई का स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। तो कठिनाई स्तर का मतलब ये होता है कि प्रश्न 12वीं तक की किताब में से नहीं बनाए जाएंगे, सिर्फ उसका तरीका लिया जाएगा कि 12वीं की क्लास के लिए किस तरह का पेपर बनाया जाता है, कठिनाई स्तर किस तरह का बनाया जाता है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो कठिनाई स्तर वाले होते हैं, एक सामान्य होते हैं और एक बिल्कुल ही सामान्य होते हैं, यानी एक मध्यम वर्ग के होते हैं, एक सामान्य वर्ग के होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कार्य रूपम भक्ति, संस्कृत का क्वेश्चन है भाषा सेकंड में कि प्रभावति एक शब्द दिया हुआ है और उस शब्द का लंग लकार रूप बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि जो प्रभावति शब्द है, अगर उसका प्रभावति तो हम जानते हैं कि ये लट लकार का रूप है, लेकिन इसको विधिलिंग लकार सॉरी इसको लंग लकार में परिवर्तित करना होगा। तो हम जानते हैं कि कोई सा भी धातु शब्द हो उसमें आ पहले आ जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन ओ में आ भी दे रखा है, लेकिन जो आ दे रखा है वो गलत है। तो इसका सही आंसर दे रखा है प्राभवत। तो प्राभवत क्यों आया? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो लकार है वो धातुओं के ही चलते हैं, शब्दों के नहीं चलते। तो प्रभवति में धातु कौन सी है? तो इसमें भू धातु है, तो भू धातु के ही रूप चलेंगे, ना कि प्रभक्ति के रूप चलेंगे। तो यहाँ कठिनाई स्तर का मतलब यही है कि आपको शब्द दे दिया जाएगा और उस शब्द के रूप आपको बताने हैं, धातु रूप यानी कि क्रिया रूप बताने हैं। तो उसमें आपको क्रिया देखनी होगी और फिर तब जाकर के उसके रूप बनाने होंगे। और यह भू धातु है, भू धातु के कलंग लकार रूप ए भवत होता है, लेकिन इसमें प्र उपसर्ग और जोड़ना पड़ेगा तो इसको प्राभवत हो जाएगा। तो प्रभवति में प्र उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग को हटा करके धातु रूप चलाए जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कठिनाई स्तर क्या है, यानी कि सब कुछ वो के वही है, सिर्फ प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया जाएगा। यानी कि पाठ्यक्रम 6ठी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक का ही होगा, प्रश्न यहीं से लिए जाएंगे, सिर्फ प्रश्न को कठिन किया जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें ताकि उनको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने में मदद मिल सके। तो आपको कठिनाई स्तर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।